हाय गाइज, मैं हूं मनोज। आप देख रहे हैं मनोज गुप्ता व्लॉग। तो अभी मैं हूं वेक्टर बीच और यहां से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए। मनोज गुप्ता व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप सबको गोवा के ट्रिप में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग और सुबह हो चुकी। आज की ट्रिप निकलते हैं, रूम से बाहर चल रहे हैं और एक्टिवा लेंगे। एक्टिवा लेने के बाद फिर ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें जो कि देखते हैं क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो पाता है। तो वो सारी चीज़ें आज इस प्लेस आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा आप सबको। बाकी व्यू काफ़ी शानदार है, यहाँ से देख सकते हैं। और अभी मैं जस्ट रूम पर हूँ। चलिए निकलते हैं और सुबह आ गए हैं और चाय की चुस्की लेते हुए इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसी के साथ हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है। हमने स्कूटी बुक कर लिया। स्कूटी अभी आपको दिखाते हैं, एक्टिवा है 5G। बाकी आप भी चाय पीना दो, आप आ जाइए। अभी हम आए हैं पेट्रोल टंकी पे तेल डलवाने के लिए और हमने 300 रुपये का तेल डलवा दिया है। बाकी अब हमारा यहीं से ट्रिप स्टार्ट होता है गोवा का। बाकी देखते हैं कौन कौन से प्लेस पे आज हम लोग विजिट करेंगे। और समीर भाई 300 का पेट्रोल डलवा लिए हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। हम कैश बहुत कम लेके चल रहे हैं तो इसलिए ऑनलाइन ही किया था हमने। बाकी चलते हैं। जैसा कि मैं वेक्टर बीच, हमारा पहला ट्रिप जो कि मैं रूम से निकला और एक्टिवा ली, जो कि हमने आप सबको दिखाया एक्टिवा हमको कितने में पड़ी है। बाकी फाइनली वहां से हम आ चुके हैं इस बीचेस पे और बहुत सारी प्लेसें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। 4-5 प्लेसें हैं जो कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और इसी तरह आपका ये फ्लो जो पानी का है, आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी। तो आप लोग अभी तक अगर गोवा नहीं आए हैं तो गोवा का ट्रिप ज़रूर बनाइए और काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बहुत सारी बीचेस हैं जो कि हमने दिखाया। बागा बीच भी आया, तो बागा बीच वाला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। खाली ये इस ट्रिप में, आज के इस ब्लॉग में 4-5 प्लेसें कवर करने वाला हूँ, उसमें आप सबको दिखाऊँगा। बाकी आप इंजॉय कीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है और एक यहाँ गर्मी का है थोड़ा बहुत, तो गर्मी तो है ही है। बाकी ये सबसे अच्छा सीज़न जो है जनवरी फरवरी में आप आएँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल मिलेगा, लोग भी आए रहेंगे। अभी भी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो शाम तक तो शाम को ज़्यादा लोग रहते हैं या सुबह 8 बजे के करीब में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे अगर शाम के टाइम आते हैं तो और भी अच्छा लगेगा आप सबको। फिलहाल अभी हम दोपहर में आए हैं तो अभी थोड़ा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 35 के आसपास में है। बाकी अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पे आपका खूबसूरती जो है स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी। और इसी के साथ आप भी रेडी रहिए। बाकी दिन शानदार है। यहाँ से काफ़ी देर से मैं इंजॉय कर रहा हूँ फाइनली, और यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार है। आप भी एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। और करीब मैं यहाँ पे 10-15-20 मिनट आधे घंटे रुकूँगा, उसके बाद फिर दूसरी प्लेस पे जाऊँगा क्योंकि बहुत सारी प्लेसें हैं यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी हमको विजिट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी खूबसूरती है तो आपको जाने का दिल नहीं करेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, तो जाना मतलब हर जगह देखना, हर चीज़ें विजिट करना। बाकी आप व्यू देख सकते हैं काफ़ी शानदार है।
अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गया और इस व्यू को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन हर एक व्यू कहीं भी आप जाएंगे, यहाँ पे बीचेस ज़्यादा हैं और समुद्र और भी इन्फॉर्मेशन और भी जानकारी आप सबको शेयर करता रहूँगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए। बाकी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है इस गाय। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी खूबसूरत ब्यूटी है। बाकी भाई साहब उधर एक चले गए हैं और इधर पूरी बोट भी है, बोट से भी जा सकते हैं। अगर आपको बीच में जाना है तो बोट जाती है यहाँ से, तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे हमारे भोले बाबा का प्यारा सा त्रिशूल लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ से हम निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर से हैं और अभी चलते हैं यहाँ से। व्यू आप देख सकते हैं, तो यहाँ नारियल पानी भी पी सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा है 60 रुपये में एक दे रहे हैं, चाहे कोई सा भी ले लो, बड़ा छोटा कोई से। छोटा वाले में पानी रहेगा ओनली, बड़े वाले में आपको दोनों मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे पी सकते हैं। ये इसमें पानी रहेगा खाली, सही है। भाई साहब यहाँ पे नारियल पानी, अगर आप आ रहे हैं तो नारियल पानी पीना मत भूलिए क्योंकि यहाँ नारियल बहुत सस्ता भी है और अच्छा है। यह और आप आ रहे हैं नीचे से तो यहाँ पे ज़रूर एक बार टेस्ट किए। ये है 60 रुपये का, अभी हमने लिया है तो एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो भाई ये बड़ा फोर्ट हम पहुँच चुके हैं फाइनली, और यहाँ पे बाइक आपको पार्किंग करना पड़ेगा जो कि बाइक पर गाड़ी का 20 रुपीज़ लगा है, यानी 20 रुपया पर गाड़ी का लग रहा है। आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ का एंट्री फीस अभी तक नहीं लगा, देखते हैं अंदर कुछ अगर एंट्री फीस होगा तो आप सबको बताएंगे। बाकी गर्मी बहुत तेज़ लग रही है और करीब 400 मीटर आपको पैदल आना पड़ेगा तब आप पहुँच सकते हैं। बाकी यही है और व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए चपौड़ा फोर्ट पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। बाकी यहाँ का व्यू देखिए आप, ऑसम है। और चलिए अभी हम चलते हैं, बाकी आप व्यू देख सकते हैं। और यहाँ का कोई एंट्री फीस अभी तक तो नहीं लिया जा रहा, खाली आपको नाम
लिखना है और कितने मेंबर हैं साथ में आपको, और उसके बाद प्लस कर देना बस, और टाइमिंग, मोबाइल नंबर, यही सब एक कॉपी में लिखना पड़ेगा। बाकी और कुछ अभी इंटरव्यूज नहीं लग रहा, भविष्य में कभी लगेगा तो वो फिर बता नहीं सकते। छपवाड़ा फोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से अभी हम ऊपर आ गए हैं और ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे फोर्ट था, एक किला था जो कि बना हुआ था लेकिन टूट गया। और फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और कुछ दूर में है और काफ़ी लोग, जैसे काफ़ी लोग जब गोवा आते तो यहाँ भी आते हैं, और अभी यहाँ भी काम चल रहा है और लोग धीरे धीरे बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो आप भी विजिट कर सकते हैं। हालांकि सुबह या शाम में करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप दोपहर में कर रहे हैं गर्मी बहुत होगी, तो इसके लिए आप सनग्लासेस भी लेके चलिए जो वो आपके लिए सही होगा। तो गाइस ये है छपवाड़ा फोर्ट का व्यू पॉइंट, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, और बाकी यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। यहाँ पे घूम लिया अभी, फाइनली यहाँ से हम निकल रहे हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे घूमने लायक, बस फोर्ट है जो कि पुराना है, तो आप यहाँ एक बार आए हैं तो यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं और अच्छा है। फिर भी नहीं आता, मैं इस तरफ से दो डिप रहेगा, आपको ऊपर से लेके नीचे लेके जाएगा डिप में, स्पीड बोर्ड रहेगा, बम्पर राइड, जेस्की बनाना राइड, ठीक है, पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा आपके होटल से, ब्रेकफास्ट लंच मिनरल वाटर। किस जगह रहेगा? सॉफ्ट ड्रिंक चिल बियर रहेगा दो, हर किस जगह रहेगा? ग्रैंड आइलैंड आपको पिकअप करेगा। कहाँ रहेगा? यहाँ पर बहुत सारी स्कैम भी होती है जो कि मैं बता दूँ आप सबको, आगे हमारे साथ बाघा बीच में भी स्कैम हो गया था, और दूसरी बात यहाँ पे वहाँ पे हमको डीप वाला कराया था 1100 रुपये में, और यहाँ बता रहे हैं 2000 में आपको फुल पैकेज, स्कूबा डाइविंग रहेगा उसमें 20-25 मिनट का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीप वाला है वो भी रहेगा, मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगा खाली 2000 में, यानी 2000 में पूरा इंक्लूड रहेगा। तो आप कई जगह पहले कंफर्म कर लेना, आप बीचेस के पास लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा, तो थोड़ा आउटसाइड ही अभी छपवाड़ा फोर्ट जो आए हैं वहाँ पार्किंग किए हैं, वहाँ पे भैया मिले हैं, बोले हैं पिक एंड ड्रॉप दोनों रहेगा, ये लेके जाएंगे करीब 30-35 किलोमीटर दूर यहाँ से, और उसके बाद करवाएंगे वहाँ पे। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना जहाँ पे आपको ठीक लगे, यहाँ पे हमने देखा तो कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया है, और उसके बाद बताएँ 2000 में हो जाएगा, देखेंगे अगर टाइम रहेगा तो करेंगे, बाकी